100 ग्राम का मूल्य क्या है? 100 ग्राम नमक ले, ये कुछ भी नहीं। 100 ग्राम सोना, ओह इसकी कीमत लाखों में है। लेकिन एक नवजात के लिए 100 ग्राम वजन काफी अनमोल होता है। जन्म के समय 2500 ग्राम से कम वजन होने पर नवजात शिशुओं को हम कम वजन वाले यानी लो बर्थ वेट बेबी कहते हैं, जिससे बच्चे को उसके स्वास्थ्य और जीवन की कीमत चुकानी पड़ सकती है। आपने देखा, रिकॉर्ड दिखाते हैं कि सेवा प्रदाता एक बच्चे के वजन को 2500 ग्राम तक राउंड ऑफ या हीपिंग करते हैं, भले ही वास्तविक वजन कम हो। कभी कभी वे 2500 ग्राम से अधिक वजन बढ़ाने के लिए बच्चों को कपड़े पहनाकर भी तोलते हैं। ये छोटी सी दिखने वाली त्रुटि नवजात शिशु के लिए काफी खतरनाक हो सकती है। जन्म के समय कम वजन वाले बच्चे शैशवावस्था और बचपन के दौरान बीमारी और मृत्यु के प्रति अधिक संवेदनशील होते हैं। इसी तरह माताओं के लिए सही गति से सही मात्रा में वजन बढ़ाने से माँ के स्वास्थ्य और उसके बच्चे के स्वास्थ्य की रक्षा करने में मदद मिल सकती है। अनुशंसित वजन से कम वजन बढ़ने से समय से पहले बच्चे पैदा हो सकते हैं। सांस लेने की समस्या, हाइपोथर्मिया, संक्रमण, बीमारी में वृद्धि हो सकती है और विकासात्मक देरी हो सकती है। सभी सेवा प्रदाताओं को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि प्रत्येक ANC यात्रा पर गर्भवती महिलाओं का वजन लिया जाता है और जानकारी को रिकॉर्ड किया जाता है और सही ढंग से ट्रैक किया जाता है। सेवा प्रदाताओं को अपने वजन माप अभ्यासों को बेहतर बनाने के लिए त्रिआयामी रणनीति का उपयोग करना चाहिए। पहली रणनीति माँ और बच्चे के जन्म के वजन के विश्वसनीय माप, ट्रैकिंग और रिकॉर्डिंग को सुनिश्चित करना है। मात्र वजन मापने के लिए सभी ANC साइटों पर डिजिटल वजन मापने की मशीनों का उपयोग किया जाता है। ये मशीनें 4 अंकों तक सही वजन का पता लगाने में सक्षम हैं। निम्नलिखित प्रक्रिया दिखाएगी कि डिजिटल वेइंग मशीन का सही तरीके से उपयोग कैसे करें। नवजात के जन्म के वजन को मापने के लिए लेबर रूम में वेइंग मशीन का उपयोग किया जाता है। दूसरी रणनीति माप प्रथाओं में एक रूपता लाने की है। इसके लिए प्रोटोकॉल जिसमें तकनीकी और अंशांकन के साथ साथ सलाह और ऑडिट चेकलिस्ट पर दिशा निर्देश मौजूद है। तीसरी रणनीति यह सुनिश्चित करना है कि उपकरण कार्यात्मक और सटीक है। डिवाइस का नियमित कैलिब्रेशन किया जाना चाहिए। इसके लिए वेट चेकअप के लिए जिम्मेदार सभी सेवा प्रदाताओं के प्रशिक्षण और ऑन साइट मूल्यांकन की आवश्यकता है। प्रत्येक डिजिटल मशीन को सेवा प्रदाताओं द्वारा हर महीने एक बार जांचा और कैलिब्रेट किया जाना चाहिए। कैलिब्रेशन के लिए अलग अलग वजन का इस्तेमाल किया जाता है। इन रणनीतियों के माध्यम से हम यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि सही वजन को मापा और दर्ज किया जाए और कम वजन के मामले में सही समय पर सही निर्णय लिया जाए।